हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए हम बात करते हैं आज एक अपडेट स्टेटस के बारे में, जो कि EMRS स्कूल अलॉटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सब तरफ नेस्ट वाले भेज रहे हैं। ये मैं आपको सेकेंड DV के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, जो अपडेटेड स्टेटस आया है अभी, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या एक बहुत बड़ी असुविधा लोगों को हो रही है ये समझने में कि उनको सेकेंड राउंड ऑफ DV के लिए, सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है या नहीं जाना है। देखिए, मैं इससे शुरू करूंगी सबसे पहले तो, कि जिनका की फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको समझ में आए ये कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जहां पे भी कुछ इश्यू हो रहा है वहां पे नेस्ट वाले खुद ही इसका रिप्लाई दे रहे हैं, पर आप प्लीज एक बार वीडियो को गौर से सुनिए और एक बार अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, जो जिनका कि पहला राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से पूरा हो चुका है, उनको सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनको मेल नहीं आया है सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो भी वो निश्चिंत रहे क्योंकि उनका फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उनको मेल नहीं किया है। सेकेंड चीज, अगर डेट एंड टाइम, डेट एंड प्लेस, टाइम, ये सब का मेल आपको आया है सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और लिस्ट में आपका नाम है और आपको पता भी है कि हाँ, फर्स्ट राउंड में कुछ रह गया था डॉक्यूमेंट सबमिट करना या कुछ क्लैरिफिकेशंस रह गए थे होने के लिए, तो आप जरूर से जाएं। जो डेट टाइम प्लेस स्पेसिफाइड है उस अपडेटेड स्टेटस में, जो लिस्ट निकली है सेकेंड राउंड ऑफ DV के लिए, उसके लिए आप जरूर से जाएं अगर उसमें आपका नाम है तो, और आपको पता है कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हो पाया था या उसमें कुछ कमी रह गई थी, कुछ एब्सेंट था उसमें। लेकिन अगर आपका फर्स्ट राउंड ऑफ वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया है और फिर भी आपको मेल आया है, तो प्लीज आप नेस्ट वालों को मेल करें। जो लोग EMRS वालों को मेल कर रहे हैं उनका रिप्लाई EMRS वाले खुद देख कर दे रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं एक चीज अच्छे से समझा दूं फिर से। अगर आपका फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और बिल्कुल अच्छे से हो गया है, EMRS वाले आपको सेकेंड राउंड के लिए नहीं बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने को। जिनका की नाम है लिस्ट में और वो बुला रहे हैं सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनका जरूर कुछ ना कुछ रह गया होगा फर्स्ट राउंड में कंप्लीट होना, जिसके लिए कि वो बुला रहे होंगे वेरीफाई करने को, या फिर कुछ एब्सेंट होगा डॉक्यूमेंट्स में से जिसको कि कंफर्म करने के लिए वो बुला रहे हैं। अब अगर तीसरी कैटेगरी वैसे लोगों के लिए है जिनका कि फर्स्ट राउंड ऑफ वेरिफिकेशन अच्छे से हो चुका है और फिर भी उनको मेल चला गया है, या फिर भी उनका नाम है, मेल गया हो ना गया हो, फिर भी उनका नाम है लिस्ट में, पर उनका फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से अगर हो गया है, तो आप प्लीज EMRS वालों को मेल करें, क्योंकि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड में अच्छे से हो गया है और उनको उनका भी नाम फिर भी अभी भी लिस्ट में अपीयर हो रहा है सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और वैसे बच्चे अगर मेल कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स अगर मेल कर रहे हैं, तो उनको EMRS वाले खुद चेक करके रिप्लाई कर रहे हैं। आपको मेल में ये पूछना है कि डियर सर मैम, मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, तो फिर क्या मुझे सेकेंड राउंड में आने की जरूरत है? डू आई नीड टू कम फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ वेरिफिकेशन व्हेन द फर्स्ट राउंड ऑफ वेरिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड? और इसका रिप्लाई EMRS वाले खुद करेंगे चेक करके कि भाई आपका नाम उसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया था, तो वो खुद उधर से रिप्लाई करेंगे कि इफ योर फर्स्ट राउंड ऑफ सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन डन, यू डू नॉट नीड टू अपियर फॉर द सेकेंड राउंड, मतलब आपको दूसरे राउंड के लिए आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी अच्छे से हुआ हुआ है। तो जो पहले राउंड में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीटेड है, अच्छे से हुआ हुआ है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे अगर उनको मेल नहीं आया है तो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उनको मेल आ गया है तो वो खुद EMRS वालों को मेल करें और पूछें कि भाई मेरा नाम लिस्ट में है सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पर मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और उसमें कोई परेशानी नहीं आई है। उधर से EMRS वाले आपको खुद मेल करेंगे कि आपको आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड है।
और तीसरी चीज कि जिनका नहीं सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंट एब्सेंट रह गए थे, कुछ क्लैरिफिकेशंस रह गए थे और उनका नाम है, ये उनको भी पता है कि फर्स्ट राउंड सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है और जो सेकंड राउंड ऑफ डीवी के लिए जो लिस्ट निकली है उसमें उनका नाम है, तो जो भी डेट टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाइड है आप लोग उसके लिए जरूर जाए। आई होप कि मैंने ये जो अपडेटेड स्टेटस अभी आ रहा है, जो नोटिस आ रही है, उसके रिगार्ड में जो कंफ्यूजन उठा है लोगों में, मैंने उसे क्लैरिफाई कर दिया है। फॉर मोर अपडेटेड स्टेटसेस एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।